हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडिटर पापा। तो और आज मैं आपको एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक नई फ्यूज जिसका नाम है एशियन क्रिस्टल 13। तो सबसे पहले मैंने तो बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ क्योंकि ये जब आया था तो मैं उसी टाइम में इसको अनबॉक्स कर दिया था। तो अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसको ओपन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह है इसका पेमेंट 1000 रुपीज। ये मुझे 1000 रुपीज का पड़ा है। मैं इसको रखता हूँ साइड में। यहाँ पे है एशियन का वेलकम दी एशियन फैमिली, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं अपने फ्रूज की तरफ। तो वो फ्रूज आपको दिखा दें, ये रहा फ्रूज। आप देख सकते हो फ्रूज की क्वालिटी। ये है एशियन कंपनी का, आप देख सकते हो क्रिस्टल कुशिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पूरा फॉर्म दिया गया है जो कि पुफ बहुत अच्छी तरह से होता है। मैं इसको एक फाइट में रख देता हूँ। इसको रख देता हूँ। इसकी लुक देखो भाई साहब, इसकी लुक देखो, क्या लुक निकल के आ रही है इसकी। ये पूरी रेड और ब्लैक कलर में है। यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे एक एशियन की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एशियन का एक लोगो बना के दिया गया है। अब इन फूज को देखो, क्या मस्त फूज हैं। ये बस 1000 में मुझे पड़ा ऑफर के साथ। तो आप चाहो तो स्नैपडील से, नहीं तो फ्लिपकार्ट से। मैंने स्नैपडील से मंगवाया था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी लाने में, लेकिन हाँ फाइनली आ गया। एंड इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर देखो मेमोरी फॉर्म दिया गया है जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बहुत अच्छे से दबता है, कुफिंग बहुत अच्छे से होता है। इसका रिव्यू एक लॉन्ग टर्म में रिव्यू दूंगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हो, 1000 में कोई बुरा डील नहीं है। तो मैं इसका फुल रिव्यू भी दूंगा। मैं तो बस ये आया तो मैंने देख सोचा कि आपको दिखा दूं। अब इसको मैं पहनूंगा एक दो हफ्ते और उसके बाद इसको बताऊंगा कि ये कैसा है और कैसा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसकी जगह आपको कोई और ब्रांड लेना चाहिए, ठीक है। तो वैसे लुक वाइज तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको मैं यूज करूँगा, उसके बाद रिव्यू दूँगा। इसका मटेरियल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे डिजाइनिंग दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह डिजाइनिंग दी गई है। यहाँ पे पूरा एकदम मोटे कपड़े का एकदम बनाया गया है, मिस का है, पूरा मिस यूज किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा सिंथेटिक लेदर यूज किया गया है और यहाँ पे एक यहाँ पेस्टिंग वेस्टिंग देख सकते हो, थोड़ा मोड़ा पेस्टिंग इधर उधर हुआ है लेकिन बाकी सब बढ़िया है। सो बस मैं ये दिखाना चाह रहा था। एंड इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।